hello friends welcome to the chitra science hub today we will discuss about the hybridization first of all what is hybridization the phenomenon of mixing up of atomic orbitals of similar energies and formation of equivalent number of entirely new orbitals of identical shape and energy is known as hybridization and the new orbitals so formed are called hybrid orbitals so हाइब्रिडाइजेशन क्या है मिक्सिंग अप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होके एंटायरली न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं आइडेंटिकल शेप और एनर्जी के उन ऑर्बिटल्स को हमने कहा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और इस फिनोमिनन को कहा हमने हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन हमारा डिफरेंट टाइप का होता है फर्स्ट sp हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है द कॉम्बिनेशन ऑफ वन s एंड वन p ऑर्बिटल्स टू फॉर्म टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी इज नोन एज sp हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है जिसमें एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होके दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है इक्वल एनर्जी के इस, इस प्रोसेस को हमने कहा sp हाइब्रिडाइजेशन द मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्विंग दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आर लीनियर विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 180 डिग्री मोलिक्यूल जिनके अंदर एसपी हैबिटाइजेशन होता है वो लीनियर शेप के होते हैं और उनका बोन एंगल 180 डिग्री होता है एग्जाम्पल हैं कुछ इसके जैसे बी ई एफ टू बी सी एल टू सी ओ टू सी टू एच फाइव एक्सेट्रा ये हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है बी ई एफ टू का बेरीलियम का ग्राउंड स्टेट का कॉन्फिग्रेशन होता है वन एस टू टू एस टू टू पी टू तो हमारा जो वैलेंसी शेल का कॉन्फिग्रेशन है दैट इज़ टू एस टू टू पी टू तो हमारे पास दो फ्लोरीन कंबाइन होते होने हैं तो हम क्या करेंगे? S के एक इलेक्ट्रॉन एक तो एस में हो गया एक पी के अंदर हो गया तो हमारे पास दो सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल हो गए और दो ही फ्लोरिन को कंबाइन होना है तो दोनों एक एक के साथ कंबाइन हो जाएंगे और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा हमारा एस

आपका जो है BCL three का तो जो बोरोन है उसका ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन होता है one s two two s two और आपका two p one अब आपका जो है वैलेंसी शेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया two s two two p one अब हमारे हमने three cl को इसके साथ कंबाइन करना है तो हमें तीन सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल्स की जरूरत है तो हम क्या करेंगे एस के इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करके पी में कर देंगे तो हमारे पास इस तरह से तीन सिंगली फिल्ड इलेक्ट्रॉन हो गए एक ये 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 एक एक तो तीनों सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल फ्लोरीन के साथ, साथ कंबाइन होकर क्या बनाएंगे एस पी टू हाइब्रोडाइजेशन और जो मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइंगर प्लेनर विद ए बोन्ड एंगल ऑफ वन हंड्रेड ट्वेंटी डिग्री नेक्स्ट एसपी थ्री हाइब्रोडाइजेशन

टेट्राहेड्रल हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उनकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है और बोड एंगल होता है 109 28 सेकंड का जैसे इसके एग्जांपल्स हैं CH4 CCl4 SiCl4 NH3 एक्सेट्रा ये हमने जो है मीथेन का एग्जांपल लिया हुआ है सी एच फोर का कार्बन का वैलेंसी शेल का कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हैस टू टू एस टू टू पी टू तो जो वैलेंसी शेल का है दैट इज 2s2 2p2 अब चार हाइड्रोजन को कंबाइन होना है तो चार सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल की हमें जरूरत है तो हम क्या करेंगे अगेन एसके के इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करके पी में कर देंगे तो इस तरह से हमारे पास चार सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल हो गए तीन पी के अंदर और एक टू एस के अंदर जो आपके

आ, वो हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक डी एक एस और दो पी ऑर्बिटल कंबाइन होके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं इक्वल एनर्जी के इस प्रोसेस को हमने कहा डीएसपी टू तो हाइब्रिडाइजेशन वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर

एन आई टू प्लस में क्या होगा वो अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो आपकी आउटर मोस्ट शेल में से निकलेंगे आउटर मोस्ट शेल हमारी हो गई फोर एस टू तो जो ग्राउंड स्टेट का कॉन्फिग्रेशन है दैट इज थ्री डी एट फोर एस टू तो फोर एस टू के दो इलेक्ट्रॉन्स को वो छोड़ देगा एन आई टू के फॉर्म में आने पर तो अब क्या होगा हमारे पास क्या है दो जो है सिंगली फिल्ड हमारे पास ऑर्बिटल है तो ये दोनों पेयर हो पेयर्ड हो जाएंगे और एक डी ऑर्बिटल हमारे पास खाली हो जाएगा अब हमारे हमें चार सी कंबाइन होने हैं तो वो आपका एक डी ऑर्बिटल को ले लेगा एक एस को और दो पी के ऑर्बिटल लेके जो सी है वो आपका यहाँ पे अपना बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर के साथ अपना इसके साथ यहाँ बॉन्डिंग कर लेगा जिसमें इसका निकल का एक डी एक एस और दो पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे ये है था हमारा डी एस टू ये इसके केस में हमारी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है विद एंगल ऑफ 90 डिग्री नेक्स्ट एस पी थ्री डी द कॉम्बिनेशन ऑफ 1s 3p थ्री पी एंड वन डी ऑबिटल टू फॉर्म फाइव हाइब्रिड ऑबिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी इज नोन एज sp3 sp3d थ्री sp3d पी क्या है जिसमें एक s, तीन पी और एक d कम्बाइन होकर फाइव हाइब्रिड ऑबिटल्स बनाते हैं इक्वल एनर्जी के इस प्रोसेस को कहा हमने sp3d पी वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर sp3d पी होती है उनकी ट्राइगोनल बाइपेराम ज्योमेट्री होती है विद बोन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री एंड 90 डिग्री इसका एक एग्जाम्पल है हमारा पीसीएल फाइव तो जो हमारा पी सी एल फाइव है इसका ग्राउंड स्टेट का कॉन्फिग्रेशन है थ्री एस टू थ्री पी थ्री तो आपका एस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है और पी के अंदर तीन इलेक्ट्रॉन है अब हमें पांच सिंगली फील्ड ऑर्बिटल की जरूरत है क्योंकि पांच सी एल कम्बाइंड होने हैं तो हम क्या करेंगे एस के एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करके इधर कर देंगे तो हमारे पास पांच सिंगली फील्ड ऑर्बिटल हो जाएंगे और इन पांच सिंगली फील्ड ऑर्बिटल में आपका जो पांच सिंगली फील्ड ऑर्बिटल के साथ सी एल पेयरिंग करके आपका क्या बनाएगा एस पी हाइब्रिडाइजेशन और एस पी हाइब्रिडाइजेशन के केस में मॉलिक्यूल की जो होती है वो ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री होती है विद अ बोन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री एंड 90 डिग्री तो इसमें जो है हमारा दो दो बोन्ड एंगल होते हैं क्योंकि ये दो तरह के बनाता है एक इक्वेटोरियल बोन्ड बनाता है एक एक्शुअल बोन्ड बनाता है तो जो हमारे एक्शुअल बोन्ड होते हैं उनका तो हमारा जो बोन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है और जो इक्वेटोरियल होते हैं उनका होता है हमारा वन डिग्री का नेक्स्ट एस पी थ्री डी टू द कॉम्बिनेशन ऑफ वन एस थ्री पी एंड टू दो डी ऑर्बिटल कंबाइन हो गए बनाते हैं इस प्रोसेस को हमने एस पी थ्री डी टू हाइब्रेडाइजेशन और वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर एस पी थ्री होती है उनका ऑक्टाइडलेशन होता है 3S2, 3P4. अब इसके पास केवल दो ही सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल हैं और हमें चाहिए होते हैं छे तो हम क्या करेंगे एक पी के इलेक्ट्रॉन को प्लस एक एस के इलेक्ट्रॉन को हम डी में प्रमोट कर देंगे तो इस तरह से हमारे पास फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हो जाएंगे जो आपका फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बना के क्या बनाएंगे आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में मॉलिक्यूल की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री नेक्स्ट sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन द कॉम्बिनेशन ऑफ वन 1s क्या होता है एक एस तीन पी और तीन डी ऑर्बिटर्स मिलकर सेवन हाइब्रेड ऑर्बिटर्स बनाते हैं इक्वल एनर्जी के और इस प्रोसेस को हमने कहा एस पी थ्री डी थ्री हाइब्रेडाइजेशन

तो हम क्या करेंगे दो पी के और एक एस के इलेक्ट्रॉन को डी में प्रमोट कर देंगे इस तरह से हमारे पास सात सिंगली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हो जाएंगे और सात सिंगली फील्ड जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ फ्लोरीन बॉन्डिंग करके क्या बनाएगा एस पी थ्री डी थ्री और जो मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री हो जाएगी दैट इज पेंटागोनल बायपोरोमेडल जोमेट्री दिस इज ऑल अबाउट हाइब्रिडाइजेशन थैंक यू